तो आज हम वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। आज की वर्कशीट है रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जब किसी ने कुछ कहा हो और आप वो बात किसी और को बता रहे हो तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं कि आपने उस स्पीच को, उसकी बात को किसी को बताया है या रिपोर्ट किया है। अब आप ये स्पीच जो है दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वन डायरेक्ट स्पीच एंड अनदर इनडायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि किसी ने जब कोई बात कही तो आप उसे एज इट इज सामने वाले को, किसी तीसरे बंदे को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉमी सेड आई फाउंड अ रियल बुक। तो यहाँ पे स्पीकर है टॉमी, और अगर आप टॉमी की ये कही हुई बात किसी और को बता रहे हैं तो आप एज इट इज बता रहे हैं कि टॉमी ने मुझसे कहा कि मुझे एक रियल बुक मिली। सो टॉमी सेड आई फाउंड अ रियल बुक। हाउएवर इसी सेम चीज को आप इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कहना चाहेंगे तो आपको कुछ बदलाव लाने होंगे यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो सबसे पहला बदलाव, सबसे पहला चेंज होगा एडिशन ऑफ वर्ड दैट। ठीक है, तो आप टॉमी सेड दैट, फिर दूसरा बदलाव होगा जो आप सब्जेक्ट हैं, जहां आपने एज इट इज, अगर टॉमी बोल रहा है तो वो बोलेगा आई, तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हैं तो आप भी आई ही बोलेंगे। लेकिन अगर वही चीज आप इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो आप आई की जगह बोलेंगे ही, बिकॉज टॉमी यहाँ पे मेल है तो ही, अगर यहीं पे कोई फीमेल होता तो शी, तो आप बोलेंगे टॉमी सेड दैट ही, क्योंकि उसने ढूंढी है बुक, तो टॉमी ने ये कहा कि उसे बुक मिल गई है, तो आप एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे आई को ही में चेंज कर देंगे। सो टॉमी सेड दैट ही फाउंड अ रियल बुक। बाकी सेंटेंस आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये सिंपली ये दो तरीके हैं जिससे आप किसी की कही हुई बात को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कैसे, आप ये करेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको वो रूल्स भी दिखा देते हैं। तो अगर आप रूल्स देखें तो जैसे डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले अगर आप इस पे ध्यान देंगे, ये हैं प्रोनाउंस या फिर कुछ एडिशनल वर्ड्स जो टाइम डिनोट करते हैं। आई, मी, माय, दिस, वी, नाउ, टुडे, टुनाइट, हियर, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, यस्टरडे, टुमारो, अगो। तो आई, मी, माय, वी, ये तो प्रोनाउंस हैं जो कोई सब्जेक्ट डिनोट करते हैं, सब्जेक्ट बताते हैं कि कौन बोल रहा है। वहीं पे वर्ड सच एज दिस, टुडे, नाउ, टुनाइट, हियर, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ये वर्ड्स डिनोट करते हैं कि किस टाइम पे वो, किस टाइम को वो डिनोट कर रहा है, या किस टाइम के बारे में बात हो रही है, या किस जगह के बारे में बात हो रही है। जैसे हियर, तो किस जगह के बारे में बात हो रही है। अब ये सारे वर्ड्स अगर आप किसी और, किसी तीसरे इंसान को अगर आप बताएंगे तो आपको ये चेंज करने पड़ेंगे। तो आई बन जाएगा ही और शी, ये डिपेंडेंट होगा कि आई मेल है या फीमेल। अगर आई मेल है, मेल कुछ कह रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में टॉमी ने कहा था एंड टॉमी इज मेल ओवर हियर, तो आप आई को ही चेंज कर देंगे। अगर वो फीमेल है तो आप शी कर देंगे। मी चेंज हो जाएगा हिम और हर में, माई चेंज हो जाएगा हिज और हर में, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, वी चेंज हो जाएगा दे में, नाउ इंटू देन, टूडे इंटू दैट डे, टू नाइट इंटू दैट नाइट, हियर इंटू देयर, लास्ट वीक इंटू द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक इंटू द वीक आफ्टर, यस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर, टुमारो विल बिकम द नेक्स्ट डे, अगो विल बिकम बिफोर। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स नजर आते हैं तो आपको बस उन्हें इन वर्ड्स में से चेंज कर देना है। ठीक है, ये आपका पहला रूल है। अब दूसरा रूल आता है टेंसेस के हिसाब से। तो कभी भी आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस मिला है तो आपको ये देखना है कि वो किस टेंस में है वो सेंटेंस। तो अगर वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, फॉर एग्जाम्पल मार्जी सेड आई लाइक टू रीड टेली बुक्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चेंज होगा कि सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सो
अब अगर सिंपल पास्ट टेंस में मैं कन्वर्ट करूं तो क्या चेंज होगा? अगर किसी सेंटेंस का मुझे टेंस चेंज करना है तो क्या चेंज होगा? वर्ब चेंज होगा, तो मार्जी मार्जी रहेगा, सेड सेड रहेगा, लेकिन हमने एक और बात की थी कि हम एक नया वर्ड एड ऑन करेंगे, दैट, तो दैट हो जाएगा। और साथ ही साथ द मोमेंट यू एड द वर्ड दैट, जैसे ही आप दैट वर्ड एड करेंगे, आप डायरेक्ट स्पीच से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तो अगेन इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मार्जी सेड दैट, अब आई, मार्जी गर्ल है, फीमेल है, आई है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे देखा था आई चेंज होगा अगर फीमेल है तो शी में, तो आई की जगह आ गया है अब शी। लाइक वर्ब है, ये वो वर्ड है जो हमें सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो लाइक बन जाएगा लाइक्ड। उसके बाद सब सेम रहेगा, टू रीड टेली बुक्स। अब अगर टू रीड टेली बुक्स के बाद होता टुडे, तो आप टुडे को भी यहाँ पे इस रूल के हिसाब से दैट डे कर देते, या होता टुनाइट तो आप उसे दैट नाइट कर देते। तो इस तरह से आपको बस ये देखना है कि कहीं कोई एडिशनल वर्ड तो नहीं है जो टाइम डिनोट कर रहा है या प्लेस डिनोट कर रहा है, फिर आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है तो एज इट इज लाइक्ड के बाद हमने सेम चीजें लिख दी हैं, टू रीड टेली बुक्स। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है, ये डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है, मार्जी सेड आई एम रीडिंग अ टेली बुक। इसी को अगर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे हम, तो मार्जी सेड दैट, आई चेंज हो गया है शी में, एम चेंज हो गया है वॉज में, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, रीडिंग अ टेली बुक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, मार्जी सेड आई हैव रेड अ टेली बुक, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा मार्जी टोल्ड दैट शी हैड रेड अ टेली बुक। तो यहाँ पे आई बन गया शी, Have बन गया had, read a टेली बुक सेम रहेगा, that हमने एड कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अरे यहाँ पे तो said लिखा था पर इधर told लिखा है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं said, told, requested, reported, asked, ये सारे हम रिपोर्टिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको किसी तीसरे इंसान को बताना है कि क्या क्वेश्चन पूछा, तो आप बोल सकते हैं शी आस्क्ड दैट, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बन गया आस्क्ड। तो इसी तरह से सेड की जगह यहाँ पे अगर टोल्ड भी लिख दिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टोल्ड भी यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि मार्जी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है तो मैं यहाँ पे आस्क्ड नहीं लिख सकती हूँ, सो आई कांट राइट मार्जी आस्क्ड दैट, बिकॉज मार्जी कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रही है। सो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा ये ध्यान रखना होता है। सो अगर डायरेक्ट स्पीच है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फॉर एग्जाम्पल, मार्जी सेड आई हैव बीन रीडिंग अ टेली बुक, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मार्जी सेड दैट, आई हो गया शी, हैव हो गया हैड, बीन रीडिंग अ टेली बुक, ये सेम है। सिमिलरली सिंपल पास्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच है तो मार्जी सेड आई रेड द टेली बुक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे इस सेंटेंस पे फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिंपल पास्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। सो मार्जी सेड सेम है, इन्वर्टेड कॉमा सब हटा दिए हैं और वर्ड एड कर दिया है दैट, आई हो गया है शी, रेड, अब ये सिंपल पास्ट है रेड, इसका पास्ट परफेक्ट बनेगा हैड रेड, तो यहाँ पे रेड की जगह आपने लिख दिया हैड रेड द टेली बुक। अब ये फोकस करना है, इन द मॉर्निंग की जगह आपको लिखना पड़ेगा दैट मॉर्निंग, टू एम्फसाइज कि वो ये वाली सुबह नहीं है, वो उस सुबह जिस सुबह की वो बात कर रही है, ये वो वाली सुबह है, तो यहाँ पे आपको द की जगह दैट मॉर्निंग लिखना पड़ेगा कि वो वाली सुबह, ये डिनोट करते हुए। स्पीच किसी भी टेंस में हो उसका जो भी पास्ट टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न नोटिस करें तो सिंपल प्रेजेंट बन जाता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट का पास्ट सिंपल पास्ट हो ही नहीं सकता है, तो उसका और पास्ट में जाएंगे आप तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आप किसी की कही हुई बात को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली तो ऑब्वियसली वो बात हो चुकी है, इसलिए हम हर टेंस को पास्ट में डिनोट करते हैं। अब ये रूल समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और जो एक्सरसाइज दी हुई है उस पे फोकस करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आंसर विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट ए पार्ट बी, इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, क्वेश्चन है इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास वहां होंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास देखिए तो मतलब कि वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, अगर इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास मतलब ये वाले कॉमास, अगर ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं है मतलब कि वो डायरेक्ट स्पीच नहीं है। तो ये सेंटेंस है, मार्जी सेड वी लिव इन द ईयर 2157। अब दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। ऑप्शन वन है, मार्जी सेड दैट We live in the year 2157। अब V आ गया है, द मोमेंट यू सी V आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। चलिए सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं, मार्जी सेड दैट दे लिव्ड इन द ईयर 2157। तो अगर मैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट करूँ, मार्जी मार्जी रहेगा, सेड सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट आ जाएगा, V चेंज हो जाएगा दे में। ये हमने ऊपर रूल्स देखे थे, यहाँ पे ऊपर देखिए वी चेंज हो जाएगा दे में। तो हमें ये रूल्स पे फोकस करते हुए देखना है। सो मार्जी सेड दैट दे लिव्ड इन द ईयर, तो यहाँ लिव था वो लिव्ड हो गया और बाकी सेंटेंस सेम है, कोई टाइम एज सच डिनोट हो नहीं रहा है तो बाकी सेंटेंस एज इट इज सेम है। तो ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब सेंटेंस बी पे आते हैं, मदर टोल्ड मार्जी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। अब इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वन, मदर टोल्ड दैट मार्जी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। ऑप्शन टू, मदर टोल्ड दैट मार्जी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम हैं, तो आप दोनों पे ही टिक कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे विल जो है वुड में चेंज हो जाता है, ये एक्चुअली फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। तो अगेन इन्वर्टेड कॉमास हट गए हैं, उसकी जगह दैट आ गया है और विल जो फ्यूचर टेंस था वो वुड आ गया है वहां पर, तो ये दोनों ही ठीक है। पार्ट सी, टॉमी सेड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई-टेक्स। इसका पार्ट वन ऑप्शन वन, टॉमी सेड दैट, ये ठीक है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई-टेक्स। और पार्ट टू, टॉमी सेड दैट दे वर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई-टेक्स। आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, मैंने कहा ही था कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट में होती है। तो अगर ऑप्शन वन देखें तो यहाँ पे वी आर लिविंग प्रेजेंट में है, और ऑप्शन टू That they were, तो वी दे में चेंज हो गया है, आर वर में चेंज हो गया है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। पार्ट डी, टॉमी टोल्ड आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। ऑप्शन वन, टॉमी टोल्ड दैट ही फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। ऑप्शन टू, टॉमी टोल्ड दैट ही फाइंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। अब अगर यहाँ पे आप ऑप्शन टू देखें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात कि दो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो द मोमेंट यू सी कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट में होती है। वो कोई भी टाइप ऑफ पास्ट हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो पास्ट में होगा। तो अगर इस पे नोटिस करें तो ऑब्वियसली ये ठीक नहीं है। इसके साथ एक और गड़बड़ इसमें सेंटेंस वाइज ये भी है कि ही के साथ हमेशा फाइंस आएगा, एस या ई एस एड होगा, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट सेंटेंस है।
एट द सेम टाइम अब यहाँ पे अगर बोलें कि अच्छा इसका मतलब तो ये है कि ऑप्शन वन ठीक है, बट अगेन आप अगर यहाँ पे नोटिस करें जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो है, टॉमी टोल्ड आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। अब आई फाउंड जो है वो सिंपल पास्ट है, तो अगर आप ऊपर जाएं और यहाँ पे रूल देखें, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में चेंज होने का मतलब है हैड ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में तो हैड है ही नहीं, तो एक्चुअली में ये वाला सेंटेंस भी गलत है। तो आपके लिए यहाँ पे हम जो सही आंसर है, ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं, जो सही ऑप्शन है वो आपके लिए हम यहाँ पे एड ऑन कर देते हैं। तो एक्चुअली सही आंसर है, तो ऑप्शन डी के लिए सही आंसर है, टॉमी टोल्ड दैट ही हैड फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ई पे। मार्जी टोल्ड आई हैव नेवर सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। ऑप्शन वन, मार्जी टोल्ड दैट आई हैड नेवर सीन। अब द मोमेंट यू सी आई, ऑफ कोर्स रिपोर्टेड स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आई आई नहीं रहेगा, तो सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। मार्जी टोल्ड दैट शी, ठीक है आई शी में चेंज हो गया है, हैड नेवर ये भी ठीक है, हैव नेवर हैड नेवर में चेंज हो गया है, सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। अगेन ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कोई टाइम या प्लेस डिनोट एज सच नहीं कर रहा है, टेंस इसके चेंज हो गए हैं, सब्जेक्ट इसका आई से शी में चेंज हो गया है, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो गया है, तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट एफ, मदर एक्सप्लेन्ड योर ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम। ऑप्शन वन, मदर एक्सप्लेन्ड दैट द ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टीचेस देम। अब मैं यहां पर मैं देख रही हूं सबसे पहले सेंटेंस, मदर एक्सप्लेन्ड, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो गए हैं, ठीक है, द ग्रैंडफादर, ओके। अब ये योर से इन्होंने द ग्रैंडफादर लिखा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है आगे देखते हैं। वेंट टू अ स्कूल, ठीक है, वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर, ओके ये भी ठीक है, हु टीचेस देम। अब ये टीचर्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, नाउ द मोमेंट यू सी सिंपल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट में होता है, तो हम सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड दैट अभी तक ठीक है, देयर ग्रैंडफादर यहाँ पे देयर ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही मदर के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू कुड ऑल्सो बी रिपोर्टिंग, आप किसी और के बारे में भी बोल सकते हो कि उसकी मदर एक्सप्लेन्ड दैट देयर ग्रैंडफादर, तो देयर यहाँ ठीक है। वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम, तो सेकेंड ऑप्शन, मदर एक्सप्लेन दैट देयर ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम। सो जैसे डी ऑप्शन में प्रॉब्लम था, उसी तरह से इस ऑप्शन में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हु टॉट देम सिंपल पास्ट है, तो इसको हु हैड टॉट देम होना चाहिए था, तो यहाँ पे इसको भी आप ऑप्शन डी की तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मदर एक्सप्लेन दैट देयर ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु हैड टॉट देम। सो अभी के लिए इंग्लिश वर्कशीट में बस इतना ही है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑल द बेस्ट।